अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुका टिप्स चैनल। कुका टिप्स में वेलकम। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को आपने लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अच्छा, मेरी कोशिश ये हो रही है, मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि मेरी कोशिश हो रही है कि रमजान से पहले पहले आपका थोड़ा सा कुछ रमजान का पैकेज एक पूरा करवाऊं, क्योंकि रमजान में जो चीजें आपको नीड है, जैसे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो चलनी है रमजान में प्रॉब्लम क्या चलनी है, वो गैस नहीं आनी है। गैस की वजह से जाहिर बात है दस्तरखान को सजाना जरा मुश्किल है। उसमें आपका जैसे फ्रेंच फ्राइज बनाना आपने, या पकौड़ा बनाना है, या समोसा बनाना है, और इस तरह की चीजें जैसे लवाजमात बनते हैं घर में इफ्तार के टाइम, तो वो थोड़ा गैस की वजह से प्रॉब्लम रुक जाती है। तो आप ये, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो चीजें लूं जो आपके लिए फायदा हो उसका। बेसिकली आज मैंने जो टॉपिक लिया है सचेस में टॉपिक, वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको काफी फायदा होगा इसका। खैर, छोटी सी वीडियो, ज्यादा लंबी नहीं बनाऊंगा, कोशिश करूंगा कि मिनिमाइज करूं वीडियो को। अच्छा, आज का जो मैंने लिया टॉपिक ये देखिएगा, ब्लैक एंड डेकर का लिया है। ये एयर फ्रायर भी है और टोस्टर भी है, दोनों ऑप्शन है। इससे चाहे बेकिंग भी आप करो, चाहे आप इसको एयर फ्रायर में कोई फिश करना है आपने, या नगेट्स करने हैं आपने, या फ्रोजन फूड कोई भी आप बनाना चाह रहे हो, ये सब रहते हैं। 1700 वाट के है ये, और 14.5 लीटर का ये यूनिट है, 14.5 लीटर का इंस्ट्रूमेंट कैपेसिटी। अगर आपके एडल्ट से 5 से 7 है तो एनएफ कैपेसिटी होती है ये, इसमें आप जो मर्जी बनाए। अब इसकी यूजिंग क्या है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सच इज ओवन टोस्टर भी है और ये वो भी है आपका एयर फ्रायर भी है। अब ओवन को यूज करना आगे लाइएगा, ओवन को अगर आपने अगर ओवन टोस्टर के लिए यूज करना है तो फिर ये तीन पोर्शन है, ये अप डाउन ग्रिल्स है, बॉटम ग्रिल्स है, टॉप ग्रिल्स है, सारा टच सिस्टम के साथ है। अच्छा पैनल बनाया है, बहुत खूबसूरत है, बाहर से आउटलुक इसकी SS के साथ है, और वारंटी भी ब्लैक एंड डेकर्स एक ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, और इसकी वारंटी भी बहुत अच्छी है, और पोर्ट्रेट की बहुत सॉलिड है इसकी। और अगर थोड़ा सा देख रहे होंगे आप इसमें, आपको रोटेसरी के लिए मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, और जो आप देख रहे होंगे बिल्कुल ब्लॉकेज है, और बाहर का अगर आप बेकिंग शेकिंग करते हैं तो बाहर का ये शीशा गर्म नहीं होता। और थोड़ा सा इसकी एहतियात ये होती है कि आपने थोड़ा सा इसको वॉल्स जो है, जैसे ये वॉल है, वॉल से कम अज कम इतना गैप आपने देना है आगे पीछे दाएं बाएं से, ताकि इसकी जो हीट एयर्स है वो निकलती रहे बाहर। और इसको कोशिश करें कि अपने उसके चूल्हे चूल्हे के पास नहीं लगाना जहां पर हीटिंग ज्यादा हो, कोशिश करें इसको जरा लेदर से करके लगाएं। और ऑप्शंस के तो जा रहे थे हम, बेसिकली ये पावर की ऑन ऑफ है, बटन प्रेस करेंगे पावर ऑन होगा, और ये इसको यूज करने से पहले इन्होंने प्री हीट की ऑप्शन दी हुई है, इसको प्री हीट करना लाजमी है। अगर प्री हीट करते हैं तो देन आपका बेकिंग रिजल्ट बहुत प्यारा मिलता है। उसके बाद आगे जाएंगे, रोटेसरी की ऑप्शन है, ये मैनुअल यूज करना आपने, वैसे इसके अंदर फिटेड है सारे फंक्शन। अगर आप मैनुअल करना चाहोगे तो फिर ये मैनुअल यूज करना, अगर मैनुअल यूज नहीं करना तो वो आपकी ऑन योर चॉइस है। और ये इसकी पावर अप डाउन के लिए है, थर्मोस्टेट क्या रखना आपने, और पावर थर्मोस्टेट क्या रख रहे हो आप, 1700 वाट है मेरे ख्याल में। अगर हम उसको कैलकुलेशन करें ना, अगर पिज्जा केक बिस्कुट कोई 10 मिनट का है, कोई 5 मिनट का है, ऐसा नहीं है कि घंटे घंटे की बेकिंग होती है, सिर्फ वाहिद एक चीज है चरगा, उसके लिए थोड़ा सा यू कैन नीड दैट टाइम एक्स्ट्रा, वो टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ता है आपको। उसके बाद ये जितनी भी आपकी ऑप्शन है सारी फीडेड है, आपने सिर्फ इसको प्रेस करना और यहां से बटन यहां से प्ले कर देना है। ये जो ऑटोमेटिकली इसके अंदर जितने थर्मोस्टेट जितना अंदर डिग्री सेंटीग्रेड रखना है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अच्छा, आप इसको मिल कर आपको इसमें फर्स्ट वन तो ये रैक मिल रहा है, ये आपका एयर फ्रायर में यूज होगा, कि आपने पकौड़ा करना है, फिश करना है, आपने इस तरह की चीजें करनी है वो इसके ऊपर करनी है, वो उसमें नहीं करनी है, आपने ट्रे में नहीं होगी, वो इसके लिए स्पेशल ये ट्रे दिया है इन्होंने, नगेट्स करने हैं आपने तो, क्योंकि एयर जो है ना वो ऊपर से नीचे तक रिवॉल्विंग होती है, वो रिवॉल्व होगी नीचे से ऊपर से होगी तो आपकी चीज बहुत क्रिस्पी और बड़े मजे की बनेगी। सेकेंडली ये आपकी ये ग्रिल आ गई, ये भी बेकिंग के काम आती है, सॉरी ये भी बेकिंग के काम आती है आपकी। और थर्डली आपकी ये रोटेसरी के लिए आ गई, ये रोटेसरी के लिए आपने देख रहे हो, तो अंदर से दिखाइएगा जरा, अंदर से आप देख रहे होंगे ये हॉल है, और यहां पर आपने इसको फिट करना है चरखा लगाने के लिए। और तीसरा ये भी नॉन स्टिक इन्होंने दिया है, अगर इसके ऊपर भी बनाना कोई चीज चाह रहे हैं, नॉन स्टिक है ये, अगर आपने जब चरगा बनाना है तो मैंने पहले भी एक ओवन टोस्टर कैप्चर किया था, उसमें बताया था आपको कि ये बॉटम में लगाना जरूरी होता है, इस सेंस में जरूरी होता है कि जो चरगे के जूसेस गिरते हैं वो बजाय इसमें गिरने के आपके इसमें आ जाते हैं, ताकि आपका जो प्रोडक्ट है वो नीट एंड क्लीन रहती है, ज्यादा सफाई करने की जरूरत नहीं रहती है। और अगर आप देख रहे होंगे तो ये देखें कि ये रॉड लगे हुए हैं, रॉड मीन दैट्स कि ये ओवन टोस्टर है, एक नीचे बॉटम भी लगा हुआ है और ऊपर से दिखाइएगा, और ये देखिए ऊपर टॉप पे भी लगा हुआ है और बॉटम भी लगा हुआ है, और एयर फ्रायर भी ऑप्शन है, ड्यूल के साथ है इसमें। अच्छा मजे के है, और यही मैं एंड में बताना चाह रहा था कि एक प्लग इन आपने करना है, दूसरा गारंटी कार्ड लाजमी बाय करना है, और लेना है किसी डीलर से लीजिएगा, नॉन डीलर से लेना अल्फता आबिद मार्केट आए, या किसी और डीलर जो आप बेहतर समझते हैं, बहरहाल हमारा एक बहुत बिगर नेम है, अगर आप आएंगे तो मोस्ट वेलकम, बिस्मिल्ला।
और इसका कोशिश मैं करूंगा कि रेट भी आपको कोट कर दिया करूंगा, नेक्स्ट वीडियोस जो भी होंगी उसमें रेट भी बकायदा मैं कोट करूंगा, रेट भी बता दिया करूंगा आपको एंड में। और आप वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा। आपकी मोहब्बतों चाहतों का बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया। अस्सलाम वालेकुम।